फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दलिया सोया कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कप के करीब दलिया लेंगे, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और एक घंटे के लिए भिगो देंगे और इसको बॉईल करके रख लेंगे। अब हम सोया चंक्स लेंगे, इसको भी हम धोकर बॉईल कर लेंगे, उसके बाद इसको ग्राइंड करके रख लेंगे। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें दो अनियन डालेंगे, दो ग्रीन चिली डालेंगे और थोड़े से गार्लिक डालेंगे और थोड़ा सा अदरक डालेंगे। मैंने यहाँ ग्रेटेड अदरक लिया है। इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करके पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब हम बॉयल दलिया ले लेंगे, ये ठंडा हो चुका है, और सोया चंक्स जो हमने सोक करके इसको ग्राइंड कर लिया था, इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे तब इसको लेंगे। और दलिया अच्छे तरीके से ठंडा होना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और जो पेस्ट हमने प्याज का रेडी किया था वो इसमें मिक्स कर देंगे। ये भी सारा ही इसमें जाएगा। अब हम इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। एक चम्मच के करीब नमक लेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर लेंगे, एक छोटा चम्मच चाट मसाला लेंगे, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर लेंगे, एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर लेंगे, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर लेंगे और एक छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को डालकर, इन सभी मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दो बड़े चम्मच मैदा डालेंगे और दो चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च डालेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मिक्सचर में बाइंडिंग सही नहीं हो रही है तो थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्सचर रेडी कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये सेट हो जाए। अब मैंने मिक्सचर को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसमें दो बड़े चम्मच चावल का आटा मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें सूजी भी मिक्स कर सकते हैं, इससे ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। मिक्सचर रेडी है, अब हम अपने कबाब बनाना शुरू करते हैं। हम एक प्लेट लेंगे, उसमें मैदा या बेसन डस्ट कर लेंगे ताकि कबाब चिपके ना। थोड़ा सा पानी लेंगे और इस तरीके की स्टिक लेंगे जिसमें हम कबाब बनाएंगे लगा करके। आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं बिना स्टिक के। हाथों को गीला करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन कबाब का मिक्सचर का लेंगे और उसको प्रेस करेंगे और इसमें ये स्टिक को फिक्स करेंगे और हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए शेप दे देंगे कबाब का। आपको प्रेशर हल्का रखना है, अगर आप तेज़ प्रेशर से इसको बनाएंगे तो आपके कबाब जो है टूट जाएंगे और फिर इसको प्लेट पे रख देंगे। अब हम दूसरा कबाब बनाएंगे, फिर से हाथों को गीला करेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर का पोर्शन लेंगे और स्टिक डालेंगे इसके अंदर और इसको शेप दे देंगे। इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो साथ साथ भी बनाकर फ्राई कर सकते हैं या तो फिर आप बनाकर रख लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कबाब को पहले बना लिया है, प्लेट पे रख लिया है। मैंने इस तरह की शेप में भी बना लिए हैं। अब मैं आपको सबसे पहले पैन में बना के दिखाऊँगी। एक से डेढ़ चम्मच के करीब आपको ऑयल लेना है और इसको अच्छे तरीके से पैन को गर्म कर लेना है। ऑयल और पैन अच्छे से गर्म हो जाए, अब आपको सारे कबाब इसके ऊपर रख देने हैं और गैस का फ्लेम हमें यहाँ मीडियम कर देना है। हाई फ्लेम पे हमें इसको नहीं पकाना है। सारे कबाब मैंने रख दिए हैं, अब इसको सिकने देंगे एक दो मिनट तक। उसके बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे इसके ऊपर के हिस्से पर ताकि ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से क्रंची हो जाए और अच्छे तरीके से सिक जाए। अब आप देख लेंगे कि नीचे वाले साइड अच्छे से पक गया है तो इसको हम सारे कबाब को पलट देंगे। हमें दोनों साइड से इसको सेकना है। आप देख रहे हैं ये ब्राउन हो गए हैं।
दोनों ही साइड से अच्छे से पक जाएं तो आप इसको सर्व करिए केचप के साथ या किसी डिप के साथ या मिंट चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आप दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम स्लो कर लेंगे। अब हम इसमें सारे कबाब डाल देंगे। कबाब को बहुत पास पास नहीं डालेंगे, थोड़ा सा दूर दूर डालेंगे ताकि इसको पलटने में हमें दिक्कत ना हो और इसको ओवर क्राउडेड भी नहीं करेंगे। अब मैंने सारे कबाब इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ मैंने स्टिक वाले बनाए हैं, कुछ मैंने सिंपल बनाए हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको फ्लिप कर लेती हूँ, पलट लेती हूँ। कबाब को हल्के हाथों से पलटना है, आपको बहुत ही आराम से पलटना है। अगर हम तेज़ी से इसको पलटेंगे तो ये टूट जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट हैं। आपको सारे कबाब ऐसे ही हल्के हाथों से पलट लेने हैं, दोनों साइड से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। इसी तरीके से हमें गोल्डन ब्राउन करने हैं और इसको अब निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और जो मेथड मैंने पहले बताया उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं अपना दूसरा बैच भी रेडी कर लूँगी और फिर इसको सर्व करूँगी। दलिया सोया कबाब बनकर रेडी हैं। आप इसको किसी भी डिप के साथ, मिंट चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स हैं, इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। आपके बच्चों को, आपके घर पर सबको पसंद आएंगे और सब इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। आई होप फ्रेंड मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।